हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। और आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और तुरई। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और बनाते हैं चने की दाल और तुरई, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हो गया है गरम, मैंने इसमें तेल पहले ही डाल दिया था और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। मीडियम साइज का प्याज मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हल्दी पाउडर, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक बड़े साइज का टमाटर कट किया है वो डाल रही हूँ साथ में, तीन से चार हरी मिर्च, एक चम्मच नमक, लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च मैंने थोड़ी सी डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाला है, उसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाला भून रहा है और टमाटर वगैरह अभी गला नहीं है, लेकिन मैं साथ में चने की दाल है इसको डाल रही हूँ। ये आधा गिलास चने की दाल है, मैंने आधा घंटा पहले इसको सोख करके रखा था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो साथ में टमाटर भी गल जाएगा और ये दाल भी गल जाएगी। बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप भी ज़रूर ज़रूर से इसको बनाकर ट्राई करें। मैंने इसको थोड़ा सा 2 से 3 बार इसको मैंने भून दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मैं 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ और मैं अभी ढक्कन को बंद करती हूँ। 3 सीटी आने के बाद मैं उसको खोल के देखूँगी। तो दाल देखिए खड़ी खड़ी सी है, लेकिन ये गल गई है। मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और मैं इसमें डाल रही हूँ अभी तुरई, 1/2 किलो तुरई है। मैंने उसको भी धोकर अच्छी तरह से काट के अच्छी तरह से धो लिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ। दाल को मुझे बहुत गलाना नहीं है, खड़ी रखना है, तो मैं अब साथ में इसको भी डाल रही हूँ। इसके साथ भी अभी 1 से 2 सीटी लगेगी तो और थोड़ी सी दाल गल जाएगी। और देखिए हमारा कुकर पूरी तरह से भर चुका है, कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा सा गलेगी तो अंदर चली जाएगी। दो सीटी करके मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और दाल तो ऑलरेडी गली थी और तुरई भी बहुत जल्दी गल जाती है, तो मैंने अभी ढक्कन खोल दिया है और काफ़ी अच्छी तरह से ये गल गई है। इसको थोड़ा सा भूनते हैं और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसका फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चने की दाल और तुरई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने इसको खाया, बहुत ज़्यादा यमी और बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में मैंने मिर्चों का सालन भी सर्व किया था, अचार है, रोटी है। मिर्चों के सालन की रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, होप आपको पसंद आएगी। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत यमी लगता है। होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।